बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स का मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे स्टीम मोमो जो बहुत यम्मी और बहुत डिलीशियस बनते हैं। चलिए अब बगैर देर के इसकी रेसिपी की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर हम अपना 1.5 कप मैदा लेंगे, इसको हम स्टेन कर लेंगे ताकि इसकी सारी हार्ड इम्प्योरिटीज निकल जाए। यहाँ पर हमारा मैदा छन चुका है। जब हमारा मैदा अच्छी तरीके से छन जाए तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे और अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देन हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बनाना स्टार्ट कर लेंगे। इसकी डो आपने ज़्यादा नरम नहीं करनी, इसकी डो को आपने हार्ड रखना है। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको गूंद लेंगे। यहाँ पर हम अपना पैन लेंगे, इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद हम इसके अंदर लहसुन शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा जीरा शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून जीरा शामिल किया है। अब हम इसके अंदर क्रश किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। अब हम अपने चिकन को लहसुन और जीरे के साथ कुक कर लेंगे। हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से सोते कर लेंगे। अब हम इसके अंदर वेजेस शामिल करेंगे। वेजेस में यहाँ पर मेरे पास मटर है और कैप्सिकम है। मटर को हमने पहले उबाल लिया था। हमने अपनी फिलिंग की क्वांटिटी अपने हिसाब से ली है। आप अपने हिसाब की इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब हम इसके अंदर क्रश किए हुए बॉयल्ड आलू शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। देन हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर चाट मसाला शामिल किया है, 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल की है और यहाँ पर मैं इसके अंदर कोरिएंडर शामिल कर रही हूँ। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। इस स्टेप पे दोस्तों हमने फ्लेम को बिल्कुल जीरो कर देना है। अब इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके के साथ हम आलूओं के साथ मिक्स करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारी मोमोज की फीलिंग रेडी हो चुकी है और ये बहुत यम्मी और बहुत डिलीशियस भी है। इतनी यम्मी फीलिंग जब हम मोमोज के अंदर शामिल करेंगे तो हमारे मोमोज को 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ पर हमारे डो भी डाइस हो चुकी है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। जिस तरीके से माम रूटीन में रोटी बनाने के लिए पेड़ा करते हैं, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर इसके पेड़े कर लेंगे लेकिन छोटे साइज में। अब हम अपने वर्किंग टेबल पर फ्लोर छिड़केंगे। देन हम अपनी रोटी को बेलेंगे। रोटी को बेलने के बाद हम इसके अंदर फिलिंग रख देंगे। दोस्तों आपको मोमो को फोल्ड करना पहले पहले मुश्किल लग सकता है लेकिन प्रैक्टिस के बाद आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने इसके अंदर फिलिंग शामिल की है और आप देखिए किस तरीके से मोमो को बाइंड कर रही हूँ। हमने एक साइड से मोमोज को बाइंड करना है, दूसरी साइड के साथ जोड़ना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप मोमो बाजार से लेंगे तो आपको ये बहुत महंगे पड़ेंगे लेकिन ये घर में बहुत कम बजट में तैयार हो जाते हैं। और बाजार के मोमोज दोस्तों अनहाइजेनिक होते हैं और यम्मी और डिलीशियस भी नहीं होते। और बातों ही बातों में हमारा मोमो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम अपने सारे मोमो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपना स्टीमर लिया है, इसको मैं ऑयल के साथ ग्रीस कर लूँगी। और यहाँ पर दोस्तों मेरे पास बड़ा सा बर्तन है जिसके अंदर मैं 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। देन मैं इसके अंदर अपने स्टीमर को रखूँगी और अब मैं दोस्तों 1 बाय 1 करके इसके ऊपर अपने मोमोज रखना स्टार्ट कर दूँगी। दोस्तों अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, सब मेरी स्टोरी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं एक फूड फेस्टिवल पे गई। मैंने मोमोज की बहुत हाइप सुनी हुई थी और मुझे जो है वो दोस्तों इत्तफाक से वहाँ स्टीम मोमोज का स्टॉल नज़र आया। मैं बगैर देरी की स्टॉल के पास गई और बगैर कुछ सोच समझे मैंने वहाँ से चिकन मोमोज परचेज कर लिए। दोस्तों लेकिन आगे क्या हुआ ये सुनकर आप बहुत हैरान होंगे कि मोमोज की क्वान्टिटी ओनली 4 थी और मोमो का साइज भी बहुत छोटा था। और दोस्तों मैंने उन टेस्टलेस मोमोज के लिए 500 रुपीज़ खर्च कर दिए।
हम दोनों सिस्टर्स का फर्स्ट एक्सपीरियंस था और हम दोनों का फर्स्ट एक्सपीरियंस ही खराब हो गया। उनके साथ दोस्तों हमें एक सॉस मिली थी जो बहुत ही ज्यादा टेस्टलेस थी और समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या खा रहे हैं। सॉस की रेसिपी दोस्तों ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर फौरन चेक कीजिए। और बातों ही बातों में हमारे स्टीम मोमोज बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। टेस्टलेस मोमोज खाने के बाद हमने फौरन फैसला किया कि हम घर जाके खुद से मोमोज बनाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों हमने 1.5 कप मैदे के साथ खूब सारे मोमोज बना लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे स्टीम मोमोज की फाइनल लुक। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये कितने यम्मी और कितने डिलीशियस बनी है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप भी इस तरीके से मोमो जरूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ये मोमो आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत पसंद आएंगे। और हमारे चैनल मोदीज फूड ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आल ये वीडियोस की नोटिफिकेशन की सूचना सबसे पहले आपको मिले। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।